फ्रांस में हुए संसदीय चुनावों में एक बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। मरीन ले पेन के नेतृत्व वाली धुर दक्षिणी पंथी पार्टी नेशनल रैली अप्रत्याशित जीत की ओर बढ़ रही है। वहीं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी तीसरे स्थान पर खिसक गई है। मरीन ले पेन चाहती हैं कि उनके उत्तराधिकारी जॉर्डन बर्डेला प्रधानमंत्री बने। बर्डेला सिर्फ 28 साल के हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता चरम पर है। लोग उन्हें एक चमत्कारिक लीडर के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन वहां रह रहे मुस्लिम काफी चिंतित हैं, डरे हुए हैं। धुर दक्षिणपंथी पार्टी की जीत ने यूरोपीय देशों के लीडर्स की नींद उड़ा दी है, क्योंकि बर्डेला फ्रांस फर्स्ट की बात करते हैं। वो मुस्लिम शरणार्थियों को देश निकाल देने की वकालत करते हैं, यूरोपीय संघ को बकवास बताते हैं। जर्मनी समेत फ्रांस के सभी पड़ोसी देशों में भी बेचैनी है। आइए जानते हैं कि इसके मायने क्या है। मरीन ले पेन और जॉर्डन बर्डेला फ्रांसीसी संस्कृति अपनाने पर जोर देते हैं, अप्रवासियों की गिनती करने, उनकी जांच करने की बात कहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन बर्डेला ने फ्रांस की जनता से वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो दोहरी नागरिकता वाले लोगों को महत्वपूर्ण सरकारी पदों से हटा देंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अनुभव किया कि इन लोगों की वजह से मैं अपने ही देश में विरोधी बन गया हूँ। मैंने अपने पड़ोस के इस्लामीकरण को भी अनुभव किया है। हम इसे बदलना चाहेंगे, आखिर चिंता की बात क्यों। फ्रांस के मुस्लिम समुदाय को इस बात की चिंता है कि ली पेन पहले की सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पर पाबंदी लगाने की बात कर चुकी है। वहीं बर्डेला ने हिजाब को भेदभाव का साधन तक बता दिया। मुस्लिमों को डर है कि उनके कल्चर का प्रहार होगा, इस्लामोफोबिया की वजह से उनसे भेदभाव बढ़ेगा। हिजाब पर प्रतिबंध लगाने और गैर अप्रवासी नागरिकों को प्राथमिकता देने से जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। छात्रों को डर है कि कई इस्लामोफोबिया बिल पास किए जाएंगे जो उनकी आज़ादी छीन लेंगे। कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि कहीं उन्हें अपना ही देश न छोड़ने को मजबूर होना पड़े। अब हमें बताना पड़ेगा कि हम फ्रांसीसी हैं। जैनब नाम की छात्रा ने कहा, मैं फ्रांस में पैदा हुई थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस्लाम यहाँ इतनी बड़ी समस्या बन जाएगा। मरिया नाम की एक वकील ने कहा कि स्थिति बहुत गंभीर है, रंग भेद नस्ल भेद के हालात पैदा हो सकते हैं। छात्रा ओमे यमा ने कहा कि एक ऐसा देश जिसे हम प्यार करते हैं, जहां हम पैदा हुए हैं, अब हमें खुद को बताना पड़ेगा कि हम फ्रांसीसी हैं। हमारे पास यहां रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। मार्केटिंग प्रोफेशनल इलियास ने कहा कि नेशनल रैली पार्टी के सत्ता में आने पर कई मुसलमान देश छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। उधर जर्मनी हंगरी समेत सभी पड़ोसी देशों में खलबली मच गई है। उन्हें यूरोपीय संघ के बिखरने का खतरा सता रहा है, क्योंकि जॉर्डन बर्डेला फ्रांस फर्स्ट की नीति अपनाना चाहते हैं और उन्हें यूरोपीय संघ बकवास लगता है। यूक्रेन युद्ध के बाद बड़ी संख्या में शरणार्थी फ्रांस और उसके पड़ोसी देशों में आना चाहते हैं। ऐसे में अगर फ्रांस में इन पर रोक लगी तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर फ्रांस से लोगों को निकाला गया तो वो कहाँ जाएंगे, इसे लेकर भी चिंता बढ़ गई है।